कि आप सिर्फ पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। सिद्धरामैया जी, लोगों का, बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। मेहरबानी करके अच्छे नीतियां अपनाओ, जो अच्छा चीज है भले कोई भी क्या हो उसको आप अपना के बच्चों का भलाई के बारे में आप सोचो। ऐसे नीतियां अपनाने से राज्य का एजुकेशन सिस्टम सुधारा नहीं होता। आप एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो आज नहीं, स्वतंत्र से पहले से ही अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट वाले भी आके बहुत कुछ चीजों में उनको रास्ता बताया। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute. Siddaramaiah ji ka jo government hai wo aate hi education mein aur jo bhi aaj ka syllabus hai uske bare mein usko change karne ka ek prayatn Siddaramaiah government kar raha hai। आके तीन चार दिनों में उन्होंने क्या किया कि ये कुछ चैप्टरों में सोशल साइंस और कन्नड़ा में ये कुछ चैप्टरों में ये बदलाव लाएंगे बोल के बोले। हाँ चलो भाई, बदलाव ला के अगर टेक्स्ट बुक में देते तो भी बात अलग है। और इसमें सबसे बड़ा गलती ये है कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन हो रहा है। ये ऐसे जो बदलाव जो लाते हैं, मैं समझता हूँ कम से कम NCERT उसको सपोर्ट करना चाहिए, या DSRT जो स्टेट का जो इसके इस बारे में जो एक समिति है उसको इसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे कोई है ना, ऐसे ऐसे बॉडीज से है ना वो इश्यू चर्चा नहीं होता, पॉलिटिकल डिसीजन होता है। हाँ चलो भाई, बहुत से एजुकेशनिस्ट मिल के ये बताए ये किए हैं तो बात अलग है। कोई एजुकेशनिस्ट नहीं है उसमें, कैबिनेट डिसीजन, कैबिनेट में कौन रहते हैं? सभी मंत्री लोग रहते हैं, कोई एजुकेशनिस्ट के हैसियत पर कोई भी नहीं है। और उसमें जो क्या बोलते हैं, हम जो काफ़ी पढ़ा ले तगने बोल के जो बोलते हैं, जो एक्सपर्ट चल के बोलते हैं, कोई एक्सपर्ट उसमें नहीं है। और उनका जो बोला हुआ या पॉलिटिकल डिसीजन आप कर रहे हैं, इसके तरफ से माननीय सिद्धरामैया जी NEP के बारे में आप कोई भी उसके बारे में जानते नहीं। पहले अच्छी तरह अपने लोगों से जानकारी ले लो, जानकारी लेने के बाद समझ के आज के दिन लोगों को क्या चाहिए। लोगों को आज ऐसा है, अगर PUC करने के बाद, SSLC करने के बाद बहुत से लोग हैं ना हमको जॉब चाहिए बोल के बोलते हैं। अच्छा, उसका जो मिनिमम जो टेक्निकल नो जो 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 दे सकते हैं वो देने की कोशिश NEP में 2020 में दिया है। साथ ही साथ है ना छोटे बच्चों का, जो 3 से 8 साल के बच्चे, जो उनका समझने की जो ताकत रहती है, मैं समझता हूँ कोई एज ग्रुप में नहीं होता है। और वो एज ग्रुप के बच्चों को आंगनवाड़ी स्कूल नहीं, उसके अलावा हम थोड़ा एजुकेशन देके उनको बच्चों को पढ़ाने का लिखाने का कुछ काम करेंगे बोल के जो सोचे हैं नए पॉलिसी में, इसको पूरा है ना वो बर्बाद करके रख के आज है ना वो निकालते हैं, ये निकालते हैं। और उन्होंने क्या किया, ये 9 चैप्टर्स में जो भी बदलाव लाए, मैं अभी अभी उसके बारे में एग्जिबिट भी करा हूँ, आपके सॉफ्ट कॉपी भी आपको डाला हूँ। वो जो बदलाव, जो ऐसी चीज़ है बच्चों में, छोटे बच्चों में जात के बारे में कुछ समझाना, वायलेंस के बारे में उसमें समझाना, जो अच्छे तरीके हैं, जो अच्छे सिस्टम है वो बच्चों को समझाना चाहिए, वो छोड़कर ऐसे नीतियां अपनाने से राज्य का एजुकेशन सिस्टम सुधारा नहीं होता। आप एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो आज नहीं, स्वतंत्र से पहले से ही अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट वाले भी आके बहुत कुछ चीज़ों में उनको रास्ता बताया। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया आज बेंगलुरु को बताते हैं। क्यों बताते हैं? प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कई सालों से चल रहे हैं इधर, दे आर गिविंग द बेस्ट एजुकेशन। वो छोड़ के आप अपना कुछ तो लाने की इतना कोशिश कर रहे हैं कि आप सिर्फ पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। सिद्धरामैया जी, लोगों का, बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। मेहरबानी करके अच्छे नीतियाँ अपनाओ, जो अच्छा चीज़ है भले कोई भी क्या हो उसको आप अपना के बच्चों का भलाई के बारे में आप सोचो। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अलशरे कॉलेज गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर लॉन्ग टर्म नीट एग्जाम फॉर रिपीटर्स बैच फ्रॉम 10th जुलाई। एक्सपेक्टिंग 20 प्लस फ्री MBBS सीट्स। नीट रैंक एनहांसमेंट स्पेशल प्रोग्राम बेस्ड ऑन नीट मार्क्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट।